सो हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ दिस चैनल एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये व्लॉगिंग करी स्टार्ट करने के लिए। एंड आई विल स्टार्ट एज अ बिगिनर, बस अपने फ़ोन को उठाया एंड आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो राइट नाउ वी आर इन एम्स्टरडेम, नॉर्वे से लोड किया था एंड वी आर डिस्चार्जिंग यू। एंड कल तक कोई प्लान नहीं था एक्चुअली, हम लोग का यहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह था तो कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का। इंस्पेक्शन सक्सेसफुल, कुछ भी पॉइंट आउट नहीं हुआ, काफ़ी सही से गया इंस्पेक्शन। एंड जो हम लोग का डिपार्चर था वो भी डिले हो गया, ऐसे नॉर्मली 1600 आवर्स पे था बट अभी वो कल सुबह 4 बजे गया। तो प्लान बन गया है, वी आर गोइंग सीमेंस क्लब। देखो हम लोग के पास टाइम उतना नहीं है, जल्दी आने का है और अभी रात के 8 बजने वाले हैं तो हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। फिर भी जितना ट्राई हो सके सीमेंस क्लब तो एटलीस्ट घूम लेंगे, बाद में देखेंगे एम्स्टरडेम सेंट्रल वगैरह जाने के लिए बाद में नेक्स्ट ट्रिप में, एंड उसका भी ब्लॉग आपको मिलेगा। तो राइट नाउ ओनली सीमेंस क्लब, और अगर उसके आगे कुछ होता है तो वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा। सो बेसिकली हम लोग एम्स्टरडेम में जेटी पे नहीं होते हैं, हम लोग डॉल्फिन्स होते हैं। अगर आपको डॉल्फिन्स नहीं पता तो आई विल शो यू वन पिक्चर, ठीक है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम लोग डॉल्फिन्स पे होते हैं। तो यहाँ से अगर आपको लैंड पे जाना है तो आपको बोट के थ्रू जाना होता है, कोई लैंड का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो बोट इज़ कमिंग, ठीक है, 60 यूरो फॉर वन राइड एंड द बेस्ट पार्ट इज कंपनी इज स्पॉन्सरिंग दिस बोट चार्ज, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो बोट का हम लोग को कॉल आ गया कि बोट इज अप्रोचिंग, सो हम लोग भी ऑल सेट रेडी होके 6 लोग तैयार हैं। एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो आउट इन एम्स्टरडेम, स्पेशली एम्स्टरडेम बहुत फेमस है, बहुत लोगों का ड्रीम है यहाँ पे एम्स्टरडेम में आना। सो फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग आउट इन एम्स्टरडेम एंड उतना टाइम नहीं है, देखते हैं कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। सो या लेट्स गो। Our vessel is there and we are coming from there. Boat was booked by the company only and just now we arrived there and right now we are going there and we'll wait for our taxi. So we have called Siemens Club, they will bring their taxi and then we'll go out. So yeah, let's go. तो अभी अभी मैं सीमेंस क्लब सेंटर पे पहुंच गया हूँ, वो टैक्सी सीमेंस क्लब का ही था तो वो हम लोग को यहाँ पे छोड़ा है। एंड दिस इज द एंट्रेंस, यू कैन सी दिस इज द एंट्रेंस और अभी वी आर गोइंग टू इंटर। एंड सो नाउ लेट्स हैव अ स्मॉल टूर ऑफ सीमेंस क्लब। ऑन द एंट्रेंस ओनली यू विल गेट द वाइब ऑफ बीइंग अ सीमेन एंड सम स्टफ रिलेटेड टू सीमेन एंड अ कंप्लीट गाइड मैप टू ट्रेवल इन एम्स्टरडेम एंड टू डू वेरियस एक्टिविटीज, सेल्फ ऑफ मैगजीन्स like free magazines, you can take it home also. And yeah, this is the most important, you are getting vouchers and coupon which you can use anywhere in Amsterdam if you are going to any particular shop, club and to do any activity. Now talking about inside you are getting a complete package of entertainment, a TV for your entertainment and a good place to sit and enjoy your drink and food with your friends. Of course you are going to pay for your drink and food, and if you are buying anything I'll show you what all things you can buy from here. And also you are getting some indoor entertainment which is billiards which you can play for 2 euro. And yes, this is the cozy bar, you can get all type of drink here, all are having some charges so you have to pay and you can enjoy your drink from here. Even you can get soft drink from here also, 0% alcohol. And again, if you are going inside, we are getting some more indoor activities which is foosball, chess, darts and some playing cards, and also you are getting karaoke. So we enjoyed a lot there in Siemens Club, and also we buy something for us, that is souvenir from Amsterdam, the most important. काफी अच्छे रेट में आपको मिल जाएंगे, काफी अच्छे अच्छे खूबसूरत, तो you can buy from there. And also we had some drink and food. And most important, the Wi-Fi of Siemens Club. अगर किसी भी Siemens Club में आप जाते हो, use their Wi-Fi, download as much movie as you can.
एंड वन ऑफ द मेन रीजन टू गो टू सीमेंस क्लब वॉज उनका जो फ्री सर्विस होता है वैन चार्ज फ्रॉम सीमेंस क्लब टू योर शिप इज फ्री अगर आप जाके वहाँ पे कोई भी ड्रिंक या फिर कुछ भी आप खरीदते हो तो. सो या वी यूज द सीमेंस क्लब सर्विस ओनली. हम लोगों ने वैन लिया और हम लोग फिर वहाँ से गए बोट स्टेशन पे जहाँ से हम लोग को बोट लेना था. देन वी गॉट द बोट एंड या गो बैक ऑन बोर्ड आफ्टर सम गुड टाइम अगेन बैक टू द सेम शेड्यूल. और हम लोग का डिपार्चर भी था तो या वी आर प्रिपेयर्ड ऑलरेडी कि जाते ही कुछ तो एक्शन होने वाला है. सो जस्ट नाउ आई केम टू माई कैबिन एंड कम टू नो दैट स्टेशन है शिफ्टिंग होगी थोड़ी सी वेसल की क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं एम्स्टर्डम में वहाँ पे जो पाइलअप होता है ना कार्गो वो ज़्यादा हो गया और उसको इस साइड लाइक शिप और कार्गो के बीच में हम लोग का वाटर है सी वाटर तो उसमें नहीं आना चाहिए कार्गो तो वो गिर रहा है कार्गो. तो अभी हम लोग को पता चला कि स्टेशन है. दिस इज हाउ सीमेंस लाइफ इज थोड़ा सा मस्ती फिर वही बैक टू शिप एंड सेम लाइफ. ठीक है. सो या आई एम गोइंग फॉर स्टेशन एंड दिस वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस स्टार्टिंग माई ब्लॉग फ्रॉम एम्स्टर्डम. ठीक है. एम्स्टर्डम अभी तो सिर्फ सीमेंस क्लब था अभी तो बहुत कुछ दिखाना आपको एम्स्टर्डम से बहुत फेमस है. एक बार देख लेना क्या क्या फेमस है एम्स्टर्डम में वो सब आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा जब एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पे जाएंगे हम लोग. एंड या आई एंजॉयड अ लॉट मेकिंग वीडियोज दिस टाइम बिकॉज आई हैव टू पोस्ट दिस ऑन यूट्यूब टू शो यू ऑल. ठीक है. एंड यस जस्ट गिव योर रिव्यू इन कमेंट सेक्शन. ठीक है. ऐसे मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना अभी थोड़ा सा टफ है. लेटर ऑन आई विल बी अ प्रो इन दिस ऑल्सो. ठीक है. तो या जस्ट हिट द लाइक बटन एंड यस प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू योर लव्ड वंस अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स सबको शेयर करो एंड टेल देम टू सब्सक्राइब. आई वॉन्ट हेल्प. सो थैंक यू.